हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दी हुई है हमारे पास। एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ की गई है, ए बी सी, टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो कि सर्कल को क्या करती है, सर्कमस्क्राइब, यानी कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है और ट्राइंगल की साइड्स सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी एक ही पॉइंट पे, यानी कि जो ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो सर्कल के ऊपर तीनों साइड्स टेंजेंट्स होंगी। देखिए एसी टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एफ और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई। तो एसी कहां पे टेंजेंट है, एफ पर, और ए बी इस सर्कल पर कहां पे टेंजेंट है, ई पर, और BC टेंजेंट है D पर। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब यही है कि ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी सर्कल के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। Such that the segments BD and CD into which BC is divided by the point of contact D। BC डिवाइड हो रही है दो सेगमेंट्स में, CD और BD में, किस पॉइंट के द्वारा, D के द्वारा। Of length 8 centimeter and 6 centimeter, find the sides AB and AC. AB और AC की length निकालनी है आपने। CD दिया हुआ 6 centimeter, DB दिया हुआ 8 centimeter. To find AB and AC, AB और AC हमने निकालने। देखिए O को E से join कर देते, O को F से, O को A से कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें आपने, ये O को B से भी ज्वाइन करना है, O को C से भी। आपको पता है टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ये रेडियस हुआ ये, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर। आपको पता है किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहां से दो टेंजेंट्स हैं, CD और CF। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। यहां पे फिगर में दे नहीं रखा है आपने, यहां पे 8 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। AE, AE को मैं मान लेता हूं X, ये X सेंटीमीटर माना मैंने, जितना AE होगा उतना ही AF होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, कहां से, A से, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये भी X होगा। अब सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना। बाय हीरोन फॉर्मूला से हम एरिया निकालेंगे। देखिए अगर हम x की साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास AC भी फाइंड आउट हो जाएगी, AB भी फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए यहां पे BC कितना है, A प्लस 6 14 सेंटीमीटर, AB कितना है, A प्लस x 6 प्लस एक्स। हीरोन फॉर्मूले से हम एस फोर ट्राइंगल ए बी सी, एस इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यही होता है। ए ए मैं इस साइड को मान लेता हूं, ए बी को, ए बी को ए माना, इसको बी माना, इसको मैंने सी माना। ए बी यानी कि ए प्लस एक्स प्लस बी सी, बी सी 14 और प्लस ए सी 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, इनको ऐड करेंगे 22 28 प्लस 2x बाई 2 आ गया, और यहां से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 14 प्लस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 14 प्लस x, ये आ गया हमारा s, सेमी पेरीमीटर। बाय हीरोन फॉर्मूला
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है? एस स्क्वेयर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है हमारा? 14 प्लस एक्स। एस माइनस ए, एस माइनस ए, ए हमारा है ए प्लस एक्स, एस माइनस बी एस माइनस बी, बी हमारा 14, एस माइनस सी, सी हमारा है 6 प्लस एक्स, सॉल्व करेंगे इसको 14 प्लस एक्स, इसमें से 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस एक्स माइनस होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। देखिए 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा हमारे पास, और यहां पे 14 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? एक्स, और यहां पे माइनस का हो जाएगा 6 और माइनस का एक्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48, 48 एक्स 14 प्लस एक्स। देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमारे पास कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने जो एरिया निकाला ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, अब दूसरे तरीके से भी हम इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेंगे। तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, वहां से हमारे पास मिलेगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर आ जाएगी तो एसी की भी वैल्यू आ जाएगी और ए बी की भी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 6 में एक्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एसी, और 8 में एक्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी। तो देखिए दूसरे तरीके से हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए जो ट्राइंगल एबीसी है यहां पे हमारा सेंटर ओ, इसको इससे मिला रखा है, ऐसे है ये ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल में डिवाइड हो रही है इस तरीके से। तो 1 2 3 अगर हम तीनों के एरिया को ऐड कर दें तो किसका एरिया बन जाएगा? ए बी सी का। तो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी। और दिस इज इक्वल टू एरिया ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट। ए ओ बी में देखो बेस क्या हमारे पास? ए बी, और इसके ऊपर हाइट कौन सी है? यानी कि परपेंडिकुलर ओई, ए बी। सिमिलरली बीओसी में, बीओसी में बीसी बेस, ओडी हाइट, 1/2 बेस बीसी हाइट ओडी, 1/2 एओसी में, एओसी में बेस हो गया हमारे पास एसी, और OF क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट AC मल्टीप्लाई OF। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB। AB हमारे पास कितना है? 8 प्लस X, और OE हमारे पास 4। OE, OE, OF और OB, दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। 1/2 BC, BC कितना हमारे पास? 14, और OD 4, AC 6 प्लस X, OF कितना हमारे पास? 4।
यहां से टू पे कैंसिल करेंगे, टू टू जा फोर, यहां से टू, टू पे कैंसिल करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, एट प्लस एक्स मल्टीप्लाई टू और प्लस 14 टू जा 28 और ये हो गया 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई टू, 6 प्लस एक्स यहां पे बचा 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू जा 16 और प्लस 2x प्लस 28, 12 प्लस 2x तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 12, 28 प्लस 28 56, 2 प्लस 2 4x और यहां से हम 4 को ले सकते हैं, यहां पे बचा हमारे पास 14 और यहां पे बचा हमारे पास x। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया सेकंड और इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने फर्स्ट। ये भी एरिया ट्रायंगल एबीसी का है और ये भी ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल एबीसी का ही है तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन से दोनों ही ट्रायंगल एबीसी का एरिया रिप्रेजेंट करती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 14 प्लस एक्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों ही ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें एरिया मिला था ट्रायंगल एबीसी का और ये सेकंड इक्वेशन से हमें एरिया मिला था स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 48x x प्लस 14 अंडर द स्क्वायर रूट का पूरे का स्क्वायर और 4 14 प्लस एक्स की स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा हमारे पास 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर 16 और 14 प्लस एक्स की स्क्वायर। इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे x प्लस 14 की पावर 1 है, यहां पे पावर है हमारे पास 2 तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इसको हम 16 को हम इधर ले आते हैं 48/16 और इसको इधर ले आते हैं पावर कैंसिल करने के लिए तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गया ये, क्या बचा यहां पे 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स बचा, एक पावर क्या हो गई हमारे पास कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज और 16 को 48 से डिवाइड करेंगे यहां पे 3 आ जाएगा तो यहां पे 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स और यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू 14 तो 2 नीचे डिवाइड में आएगा तो क्या आ गया x 7 आ गया हमारे पास तो हम ac की वैल्यू निकाल सकते हैं, ac हमारा क्या था 6 प्लस एक्स तो 6 प्लस एक्स तो दिस इंप्लाइज एसी हमारा कितना हो गया 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर एसी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारे पास ए भी निकाल सकते हैं हम, ए भी कितना 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 7 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि यहां पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दी हुई है जो कि सर्कल को क्या करती है सर्कमस्क्राइब। इस क्वेश्चन की फिगर दी नहीं हुई, बनानी है आपने, ये हो गई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल को क्या करती है सर्कमस्क्राइब, यानी कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है और जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं सर्कल को क्या करती है टच करती है, यानी कि सर्कल के ऊपर चारों साइड्स टेंजेंट है और जो सपोज मान लिया मैंने ये P पर यहां टच कर रही है, यहां पे Q और यहां पे पॉइंट R है और AD सर्कल को यहां पे S पे टच कर रही है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है सेंटर पर तो अपोजिट साइड्स AB के अपोजिट है CD और सेंटर पर एंगल बनाएंगी ये, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है देखिए सेंटर पर AB ने एंगल बनाया AOB और इसके अपोजिट साइड है CD
और उसने बनाया एंगल सीओडी। अपोजिट साइड ए बी और सी डी ने ये एंगल बनाए सेंटर पर, और सप्लीमेंट्री का मतलब है इन दोनों का सम 180 है, ये आपने प्रूव करना है। सिमिलरली एक पेयर और है अपोजिट साइड का, बी सी और ए डी, ये दोनों अपोजिट साइड्स भी सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, यानी कि बी ओ सी और प्लस ए ओ डी, ये भी 180 आपने शो करना है। तो देखिए गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन, टू सर्कमस्क्राइब आ सर्कल विथ सेंटर ओ, और टू प्रूव, प्रूव क्या करना हमने, फर्स्ट एओबी प्लस एंगल सीओडी 180 डिग्री, ये तो हो गई हमारी अपोजिट साइड्स एबी एंड सीडी, इन दोनों का सम 180 डिग्री, यानी कि दोनों साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, और अपोजिट साइड बीसी और एडी, बीओसी प्लस एओडी दिस इज 180 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहां से हमने ओ को क्यू से मिला दिया, ओ को पी से, ओ को एस से ज्वाइन किया, ओ को आर से ज्वाइन कर दिया, ये एंगल हमने वन माना, ये एंगल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। देखिए यहां इस ए से हमारे पास दो टेंजेंट ड्रो हैं, एपी और एएस, और यहां पे दो ट्रायंगल्स बनती हैं एओएस, ये एंगल हमारा वन है, ये एंगल टू, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, एओएस एंड ओपीए, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। पहला टारगेट हमारा ये है कि एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखाना, जैसे कि हमने थ्योरम 10.2 में भी किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट जब आपने इक्वल दिखाई थी, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कोनजुगेट प्रूव कर सकते हैं, इन ट्रायंगल्स OSA एंड OPA। देखिए OS इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं दोनों, और AP इक्वल टू AS, या कहें AS इक्वल टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, और क्या इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन है, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ओ एस ए इज कॉनग्रेंट टू ट्राइंगल ओ पी ए, ट्रिपल एस रूल। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था सेम कॉन्सेप्ट, तो इससे हमें ये मिला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2, इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ है एपी और एएस, तो यहां पे दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2। सिमिलरली यहां बी से देखें, यहां बी से दो टेंजेंट है बीपी और बीक्यू, तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं 3 और 4। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं 3 किसके इक्वल होगा 4 के, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया 3 इक्वल टू 4। अब सी पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं सी क्यू और सी आर, यहां पे भी दो एंगल बन रहे हैं 5 और 6, तो सिमिलरली वहां पे भी हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉनग्रेंट प्रूव करेंगे, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। और डी से दो टेंजेंट डी आर और डी एस,
यहां पे भी दो एंगल बन रहे हैं, देखो डी से जो लाइन निकल रही है ओ डी, एक एंगल 7 बन रहा है, एक एंगल 8, 7 इज इक्वल टू 8, सिमिलरली वी कैन प्रूव। तो देखिए अब सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360, वी नो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, 360 डिग्री। यहां पे हमने 2 3 6 7, 1 को देखिए हम चेंज कर देते हैं, 1 को लिख सकता हूं मैं 2, 2 को 2 रहने दे, 3 रहने दे, 4 को लिख सकते हैं हम 3, 5 को लिख सकते हैं हम 6, 6 को 6 रहने दे, 7 रहने दे, और 8, 8 एंगल हमारा किसके इक्वल है 7 की। किसका यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3, ए क्यू एन एस इसका मतलब है इक्वेशंस। तो हमारे पास दो एंगल 2 हो गए, टू एंगल 3 हो गए, टू एंगल 6 हो गए, टू एंगल 7 हो गई, इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 3 6 7 में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि ध्यान से देखें हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे तो हमें ए ओ बी का मतलब है 2 प्लस 3, सी ओ डी इसका मतलब है 6 प्लस 7, तो 6 7 2 3 की जरूरत है हमें सिर्फ फिलहाल, 2 3 6 7 में कन्वर्ट करना है सभी एंगल्स को। जो हमारे पास 2 है उसको तो 2 रहेगा, 1 को भी चेंज कर देंगे हम, 1 का हमारे पास कोई काम नहीं है, 4 को भी चेंज कर देंगे हम, 5 को भी चेंज कर देंगे, 8 को भी चेंज कर देंगे, यानी कि 4 एंगल्स तो एज इट इज रहेंगे, 4 एंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस का यूज करके चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से 2 हमने कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 रहेगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री, 2 डिवाइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360/2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ए ओ बी, एंगल 6 प्लस 7 सी ओ डी, एंगल सी ओ डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली बी ओ सी प्लस ए ओ डी, बी ओ सी 4 5 2 1 और 8, ये जितने भी एंगल्स हैं हम इनको किस में चेंज कर लेंगे, 4। देखिए सेकंड पार्ट, जैसे हमने इक्वेशन 1 2 3 4 का यूज इसमें किया था वैसे ही इनका यूज करके हम सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 वी गेट, यहां पे हमने देखिए जो पूरी इक्वेशन थी हमारे पास जितने भी सारे एंगल्स थे हमने इसको किस में चेंज कर दिया था, सभी में 2 3 6 7, और अब की बार हमें क्या चाहिए, बी ओ सी और ए ओ डी, यानी कि 4 5 और 1 8, तो 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 1
और प्लस टू एंगल एट, तो टू कॉमन आ जाएगा हमारे पास, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव एंगल वन प्लस एंगल एट इज इक्वल टू 360। सिमिलरली जब हम सभी एंगल्स का सम 1360 लिखेंगे, ठीक है, और बात चार एंगल्स होंगे उनको हम चेंज कर लेंगे, किन में चेंज कर लेंगे, 4 5 1 और 8 में। चार एंगल्स तो हमारे पास ऑलरेडी होंगे 4 5 1 एंड 8, और बाकी के चार जो एंगल्स होंगे हम उनको किस में चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 का इक्वेशन का यूज करके 4 5 1 और 8 में ही चेंज कर लेंगे। तो दो दो एंगल्स हो जाएंगे, दो हमने कॉमन ले लिया, तो 4 यहां पे बचेगा हमारे पास, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 1 प्लस एंगल 8 360 बाई 2। और एंगल 4 प्लस 5 किसके इक्वल है, BOC के, और 1 प्लस 8 किसके इक्वल है, AOD के, और ये कितना आ गया 180। हैंस प्रूव्ड।